साल था 1730, तारीख थी शायद 11 या 12 सितंबर की, जब राजस्थान के जोधपुर के एक छोटे से गांव खेजड़ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। सुबह सुबह गांव में हलचल मची थी। वजह, महाराजा अभय सिंह के मंत्री गिरधर दास भंडारी फूल महल बनाने के लिए खेजड़ी के पेड़ काटने का आदेश लेकर के पहुंचे थे, लेकिन गांव की एक बहादुर महिला ने ठान लिया था कि पेड़ों को कटने नहीं देगी। उस महिला का नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उसने खेजड़ी के पेड़ से चिपक करके विरोध करना शुरू किया। खेजड़ी वो पेड़ जिसे बिश्नोई समाज तुलसी और पीपल की तरह पवित्र मानता है। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ में आ खड़ा हुआ। सभी ने पेड़ों को बचाने के लिए चारों तरफ घेरा बना लिया। अमृता देवी ने कहा कि खेजड़ी हमारे लिए जान से भी बढ़कर है। लेकिन जब विरोध शांत नहीं हुआ तो महाराजा के कारिंदों ने अमृता देवी और उसके साथियों पर कुल्हाड़ी चला दी। अमृता देवी के आखिरी शब्द थे, कटे हुए पेड़ से ज्यादा सस्ता है कटा हुआ सर। उनकी तीन बेटियां भी अपनी जान देने से पीछे नहीं हटी और इस तरह 363 बिश्नोई लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बलिदान था जिसने इतिहास में अमर कर दिया खेजड़ी और बिश्नोई समाज को। आज जब हम बिश्नोई समाज का नाम सुनते हैं तो मीडिया में और समाचारों में यह नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन बिश्नोई समाज की असली पहचान एक गैंगस्टर से नहीं, बल्कि उन 363 पर्यावरण प्रेमियों के बलिदान से है जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह समाज तब से ही पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए और उनकी रक्षा के लिए अपनी पहचान रखता है। बिश्नोई समाज के 29 नियमों में से अधिकांश पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। उनके लिए प्रकृति और जीव जंतु केवल साधन नहीं, बल्कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा भी हैं। महाराजा अभय सिंह को जैसे ही इस नृसंहार की खबर मिली, उन्होंने फौरन पेड़ों को काटने का आदेश वापस ले लिया और एक लिखित आदेश जारी किया। मारवाड़ में खेजड़ी के पेड़ अब कभी नहीं काटे जाएंगे। यह आदेश आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है। तो दोस्तों, बिश्नोई समाज का नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वजह से नहीं, बल्कि 300 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमियों के बलिदान की वजह से हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। हम उनकी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। वाकई कटे हुए पेड़ से ज्यादा सस्ता है कटा हुआ सिर। खैर, आपको क्या लगता है, कौन है बिश्नोई समाज की असली पहचान, लॉरेंस बिश्नोई या 363 पर्यावरण प्रेमी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।